रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फूडी वर्ल्ड विद रबी। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है आलू के स्पेशल पराठे। ये पराठे बहुत ही इजी और बहुत मज़ेदार हैं और ये आपको काफ़ी डिफरेंट लगेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। 1 किलो मैंने आलू लिए हैं, 1 टीस्पून जो है मैंने वो ली है सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई मिर्च, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 मैंने नमक की टेबलस्पून लिया है और हरी मिर्चें मैंने 2 बारीक बारीक इस तरह मैंने काट ली हैं। उसके बाद मैंने जो अदरक है उसका मैंने 1 टेबलस्पून जो है वह मैंने अच्छी तरह उसको पीस लिया है और अनारदाने का मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं। और इसके बाद मैंने पुदीना और सब्ज धनिया जो है वो मैंने काट लिया है बारीक बारीक, आप इसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मैंने प्याज लिया है दरमियानी साइज़ की और ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने आटा है, आटा गूंदने से पहले मैंने इसमें आपने जितना भी आटा गूंदना है उसमें आप 1 कप जो है वो मैदे का डाल लें और उसको अच्छी तरह गूंद लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आलू को मैंने बॉईल करके छील लिया है, अब हम इसको हाथों के साथ यूँ मैश करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसको पहले हम मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम इसमें जो सूख मिर्च का पाउडर है वो डाल देंगे, अदरक की जो पेस्ट है मैंने इसमें वो डाल दी है, कुटी हुई मैंने मिर्चें डाल दी हैं इसमें, इसमें अनारदाना डाल दिया है, नमक मैंने इसको डाल दिया। इसको चख सकती हैं, इसके बाद आपके काम में ज़्यादा लगे तो आप उसमें ऐड कर सकती हैं। इसके बाद मैंने पुदीना और जो सब्ज धनिया था वो मैंने इसमें डाल दिया है, उसके बाद मैंने सब्ज मिर्चें डाल दी हैं और इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो आपने ज़्यादा मिक्स नहीं करना, इसमें आपको जिस चीज़ की कमी फील हो उसमें आप डाल सकती हैं, अपनी मर्जी से ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसके जो है वो पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। तवे के नीचे मैंने मीडियम फ्लेम की को कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। जितनी देर तक हमारा जो है वो तवा गर्म होगा उतनी देर तक हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमने पेड़ा लिया है, पेड़ा आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन आलू के पराठे के लिए मैं हमेशा पेड़ा जो है वो छोटा ही बनाती हूँ। इसके 2 छोटे छोटे हमने पेड़े बनाने हैं, पेड़ों को अच्छी तरह को हम इस तरह कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह हम दूसरे पेड़े को भी इस तरह बना लेते हैं। ये देखिए अब हम इसमें जो हमने आलू बनाए हैं वो हम इसमें फिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैदा डालने से आपके जो पराठे हैं वो ज़रा सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसको हमने दूसरे पेड़े के साथ यूँ कवर कर लिया। ये देखिए इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बंद करते जाइए। इसको हम इस तरह बेल लेंगे। मैंने इसके नीचे
जो आटा है वो थोड़ा सा डस्ट कर लिया था, ये देखिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये देखिए, ये मैंने पराठा इसमें डाल दिया। इसको हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, ना इसकी फ्लेम ज़्यादा हाई पे होगी और ना स्लो पे। अब हम इसको एक साइड से, ये तैयार हो चुका है, अब हम इसको साइड चेंज कर देंगे। इस साइड पे मैं ऑयल लगाऊंगी। मैंने ऑयल लगा दिया। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी ऑयल लगा देंगे। जो अदरक की पेस्ट है इसके साथ इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा डिफरेंट और मज़े का हो जाएगा। इसको हम इस तरह थोड़ा सा इसको घुमाते जाएंगे ताकि इसका जो है वो अटकी जाए। वो इसको फिर मैंने थोड़ा सा टाइम किया है। ये देखिए, ये दोनों साइडों से अच्छी तरह पक चुका है। तो ये देखिए, हमारा जो ये पराठा है वो तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसी तरह मैंने दूसरा पराठा जो है इस पर डाल दिया और इसकी फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है। इसको मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और उस पर ऑयल लगा दूंगी। इसी तरह आप तमाम जो पराठे हैं वो बनाते हैं। इसको उस तरह आप घुमाएंगे तो ये सारी तरफ से ये अट जाएगा। अब मैंने फिर इसकी साइड चेंज कर दी है और मैं यहाँ ऑयल लगाऊंगी अपनी साइड पे। ये देखिए, ताकि इसकी दूसरी साइड से अच्छी तरह पक जाए। और ये देखिए, अब मैं फिर इसको टाइम करूँगी, ये देखिए, ताकि इसकी साइडें जो हैं वो भी कच्ची ना रहे और ये अच्छी तरह से बन जाए। अभी हमारा जो पराठा है वो दूसरी साइड से भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारे आलू वाले स्पेशल पराठे। ये बहुत मज़े के होंगे, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इजी भी बहुत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।